कोलकाता कॉरपोरेशन का वार्ड नंबर 28 मुस्लिम अक्सरीती वार्ड है, जिसमें 60% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन ये वार्ड कई अहम मसाइल से दोचार है। यहाँ निकासी का निज़ाम नाकिस है और गंदगी से लोग परेशान हैं। गुज़श्ता 15 वर्षों से इस वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिल रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि साबिक काउंसलर ने कोई खातिर खा काम नहीं किया है। वार्ड में गंदगी और नाकिस निकासी निज़ाम से हर फर्द परेशान है। हर तरफ कूड़े के ढेर नज़र आते हैं। बरसात के दिनों में ज़रा सी बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है। के हिसाब से जो उनका करने का था वो किए, उनके हिसाब से जो करने वाला काम था वो किए हैं। हम लोग उसमें खुश का और नाखुश की कोई बात नहीं है। जो उनका करने का था काम, वो सारा काम अंजाम दिए अपने लगे। बहुत सारा काम नहीं हो पाया, हो सकता है बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं आदमी को, उस जब उसकी वजह से काम रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। कोई ज़रूरी भी नहीं कि जितना काम हम बोले सब कर भी दें। कुछ उनके बस में होता है तो कर देते हैं आसानी से, कुछ उनके लिए रुकावटें आती हैं तो बेचारे मजबूर हो जाते हैं उस दफा। तो आप कैसा काउंसलर चाहते हैं? जो काम करने वाला काउंसलर होगा वही करेगा, जो हमारी बात को सुनता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। 100 में से अगर 50 बात भी पूरा कर लेता तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरसों से मुस्लिम कैंडिडेट को देना चाहिए था टिकट, जरूरी था, अगर मिलता तो अच्छी बात है, नहीं मिला भी तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। इससे पहले तो मुस्लिम हो गया इकबाल अहमद। अच्छा, इस वार्ड में और भी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, सीपीएम है, क्या इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? अब मिलना तो चाहिए सभी को मौका, लेकिन हालात बताता है जितना एक हवा का शकल में है वो तो चल नहीं है, अब उसी हिसाब से चल रहा है लोग। क्या इकबाल भाई, इकबाल अहमद जो थे पहले उसने कैसा काम? वो तो एक बार हमारा बस्ती में भी नहीं आए हैं। नहीं, अभी निकल जाएगा। और रहा मसला, वो तो हमारा फरजाना बाजू जो थी वो तो पूरा वार्ड में, वो उनका जाने के बाद भी आदमी उसका तारीफ करता है। वो बेचारी बहुत काम की है, हम लोग को भी देखी है, गैर कौम को भी देखी है। ये आया क्या किया, हम लोग को नहीं देखा, गैर कौम को देख रहा है। मजहब का नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है किसको काउंसलर यहाँ? अभी हमको एक ही है, दो ही है फाइटर यहाँ, हम लोग का मुस्लिम दोनों उठा है। एजाज भाई भी ठीक है, साइना भी ठीक है। मेरा राय है साइना को चांस देना पड़ता है। हाँ, ये लड़की वर्क करेगी। इतना आवाम है, ज़्यादातर देखिएगा मल्लिकपुर में, अच्छा कहीं और रह रहा है। ये रहने का कैसे रह रहा है ये सब? यहाँ पर ही जो खोला बाड़ी बन रहा है तो रेट इतना हाई हो जा रहा है, मतलब 6,000 स्क्वायर फीट। हम लोग मिडिल क्लास का आदमी लोग 6,000 स्क्वायर फीट, 6,500 स्क्वायर फीट में माल नहीं ले पाते हम लोग घर बाड़ी। हम लोग को मल्लिकपुर जाने पड़ रहा है, हथियारा जाने पड़ रहा है, नारायणपुर जाने पड़ रहा है। तो ये जो 6,500 रुपया हो जा रहा है, कुछ पैसा गुंडा खा ले रहा है, कुछ पैसा आपका जा करके कहीं और, हम लोग पब्लिक का पैसा खा जा रहा है। तो इसका बोलने का मतलब ये है, कम से कम जो हम लोग का इलाका का जो बिल्डिंग जो बन रहा है उसका रेट कम होना चाहिए। बस यही मुद्दा है, बस यही सबसे बड़ा मसला है। साबिक काउंसलर इकबाल अहमद के मुतल्लिक वार्ड के कुछ लोगों का कहना है कि वो बरसों तक हमारे इलाके में नहीं आते थे और निकासी और गंदगी के सिलसिले में उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। पहले जो काउंसलर थे उन्होंने कैसा काम किया? अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, साफ सफाई का भी अच्छा काम किया। अच्छा काम किया तो कैनल वेस्ट क्यों कर दिया? हाई कमांड को ऑर्डर होगा, इस वजह से पलटी कर दिया लोग। हाँ, नया हेल्थ सेंटर भी बना है। यहाँ के वार्ड के अहम मसाइल क्या है, मसला क्या क्या है? साफ सफाई वाला मसला है बस बस, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, सही बात। पानी का मसला सही है, वो पानी का मसला भी अच्छा है, निकासी लाइटिंग ये सब सही है। सिर्फ साफ सफाई जो है, अगर मैंने गाड़ी जाम वजह से यहाँ पे बहुत तकलीफ होता है। इलाके के लिए था। मिलना चाहिए था लोकल को, मिलना चाहिए था। हम लोगों का ख्याल था बाबर भाई को मिलना चाहिए था, लोकल के हिसाब से बहुत सोशल वर्क रहा उनका बहुत सोशल वर्क रहा। हम लोग बचपन से उनको देखते हुए आए, हम 1990 से एजेंट बन के हैं उस वक्त से। बाबर आलम वार्ड नंबर 28 के आवाम का कहना है कि निकासी और साफ सफाई के मामले में वार्ड में कोई खातिर खा काम नहीं हुआ, ये मसला अभी भी जूं का तू है। इसके अलावा यहाँ पर रिहाइश का भी मसला है, रिहाइश काफ़ी महंगा है। इसकी वजह है कि यहाँ के प्रोमोटर और सियासी लीडरान की मिलीभगत से रिहाइश काफ़ी महंगा हो चुका है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऐसा आदमी चाहिए जो मकामी लोगों के मसाइल हल करने के काबिल हो। कोलकाता से ईटीवी भारत, आफाक हैदर।